उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अगली कैबिनेट की बैठक अब अयोध्या में की जाएगी। इस बैठक में अयोध्या के विकास और सुंदरीकरण के प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसकी अभी तक कोई भी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अयोध्या के दीपोत्सव के बाद कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा सकती है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अयोध्या में होने वाली कैबिनेट की बैठक के कई सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। बता दें कि 29 जनवरी 2019 को योगी सरकार ने नया इतिहास रचते हुए प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक आयोजित की थी। ये बैठक संगम के तट पर बसे टेंट सिटी में आयोजित की गई थी। गंगा एक्सप्रेस वे के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे बनाने का फैसला भी यहीं किया गया था और इसके साथ ही प्रयागराज के विकास से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं और योजनाओं को भी हरी झंडी यहीं से मिली थी। अब रामनगरी से कैबिनेट की बैठक आयोजित करके एक बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। देखते हैं कि इसमें क्या बड़ा फैसला हो सकता है और इसमें किन बड़े प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है।